The fairy from the three-branched oak. एक जमाने में हरे राजा का बेटा जो सातवें देश के पार रहता था, अब जब वो महल में अकेले रहता तो वो बोर हो जाता था, तो उसने अपनी बंदूक उठाई और जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने एक खरगोश का पीछा किया और उसे निशाना लगाया। कृपा करो और मुझे मत मारो, एक अच्छा काम करो तो बदले में तुम्हारा एक अच्छा काम होगा। तो राजकुमार ने खरगोश को जाने दिया। वो आगे बढ़ा तो उसे आगे एक लोमड़ी दिखी, तो लोमड़ी ने भी कहा, हे राजकुमार कृपा करो मुझे मत मारो, एक अच्छा काम करो तो बदले में तुम्हारा एक अच्छा काम होगा। तो उसने लोमड़ी को भी जाने दिया और वो आगे बढ़ा। उसे रास्ते में एक सरंग दिखा। सरंग ने भी उसे कहा, मेरी जान बख्श दो, तुम्हारे नसीब को दुआएं मिलेगी। जंगल के बीचों बीच जाओ, वहाँ तुम्हें एक ओक का पेड़ दिखेगा जिसे सिर्फ तीन डंडियां हैं। उसमें से एक काट दो, उसमें से एक सुंदर परी निकलेगी, पर अपने साथ थोड़ा पानी ले जाना नहीं भूलना, शायद उसे जरूरत लगेगी। तो राजकुमार सीधा जंगल के बीचों बीच जाकर उस ओक के पेड़ पर चढ़ा और एक डाली तोड़ दी। उसमें से एक परी आई, पानी दो मुझे पानी दो, अपने बॉटल से राजकुमार उसे पानी देने लगा। बॉटल अचानक से उसके हाथ से गिर गई और सारा पानी जमीन पर गिर गया और फिर वो वैसे ही मर गई। राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में उठाया और महल के पास ले जाकर दफना दिया। कुछ दिन गुजरे और राजकुमार फिर से शिकार करने जंगल में गया। इस बार उसे वही लोमड़ी मिली। राजकुमार तुम्हारे अच्छे काम के बदले में तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, फिर से जाओ और उस ओक के पेड़ की दूसरी डंडी तोड़ो, पर पानी ले जाना नहीं भूलना क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार के पास वाइन था, उसे लगा वाइन से काम हो जाएगा। वो पेड़ के पास गया और उसकी दूसरी डाली काटते ही उससे एक सुंदर परी निकल आई और बोली, मुझे पानी दो। राजकुमार ने उसे वाइन मिला दी, परी वो पीने लगी, लेकिन उसके लिए वो काफी नहीं था और वो उसी वक्त मर गई। उसने उसे उठाया और महल ले जाकर दफना दिया। कुछ दिन तक दुखी होने के बाद राजकुमार फिर से जंगल में शिकार करने निकल गया। उसे खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने कहा, हे राजकुमार तुम्हारे अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, पर मेरे साथ आना, मैं तुम्हें पानी का झरना दिखाता हूँ। और वो ओक के पेड़ के पास गया। तीसरी डाली काटो, खरगोश ने कहा, और राजकुमार ने तीसरी डाली काट दी। तभी एक सुंदर परी निकल आई और उसने कहा, पानी दो मुझे पानी दो। तो खरगोश ने उसे एक बड़ी सी नाली दी और परी ने झरने में मन भर के पानी पी लिया। वो जिंदा रही। परी ने राजकुमार को उसे ओक के पेड़ से निकालने के लिए शुक्रिया किया। उन दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन दिया और एक दूसरे को चूमने लगे। अब वो दोनों महल जाने के लिए निकले। रास्ते में वो एक कुएं के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गए। परी ने कहा, मैं इस परी के पंखों में तुम्हारे महल नहीं आ सकती, जाओ और मेरे लिए नए कपड़े ले आओ। और राजकुमार चला गया। अब वहाँ एक पतला सा पेड़ था, परी उसके ऊपर जाकर बैठ गई। अब वहाँ एक डायन आ गई और वो कुएं में से पानी निकालने लगी। और उसने कुएं में देखा तो उसे पानी के अंदर परी दिखाई दे रही। उसने बहुत ढूंढा पर परी पानी के अंदर कहीं नहीं थी। अब उसने ऊपर देखा तो परी पेड़ पे बैठी थी। डायन ने उसे आवाज दी और उसे पूछा, वो वहाँ क्या कर रही है? तो परी ने उसे पूरी कहानी बताई। डायन ने परी को पकड़ा और उसे कुएं में ढकेल दिया और परी एक सोने की मछली बन गई। डायन ने पेड़ पर परी की जगह अपनी बेटी को बिठा दिया। जल्द ही राजकुमार कपड़े लेकर वहाँ आया। उसने परी को ढूंढा और उसे परी नहीं मिली। उसने खरगोश से पूछा। खरगोश ने उसे बताया कि जब वो खाना खाने गया था और वापस आया तो परी पेड़ पर बैठी थी। उसने ऊपर देखा तो लड़की पेड़ के ऊपर थी। नीचे आओ और ये कपड़े पहन लो। लड़की नीचे आई। राजकुमार ने उसका चेहरा देखा, वो बहुत गंदा था, पहले बहुत सुंदर था, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ओह मेरे प्यारे राजकुमार, मैं सूरज की किरणों में फंस गई और उसने मेरा चेहरा खराब कर दिया। राजकुमार ने उसे कपड़े दिया और उसे अपने साथ महल ले गया, क्योंकि उसे लगा कि वो परी है। एक दिन डायन अपनी बेटी को मिलने महल आ गई।
उसने अपनी बेटी से कहा, मैं कुएं के पास गई थी तो मैंने वहां देखा कि एक सोने की मछली है। अब तुम्हें ऐसा करना होगा कि तुम बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से कहो, तुम तब तक ठीक नहीं हो पाओगी जब तक कुएं के सोने की मछली नहीं खाओगी। राजकुमार वो सोने की मछली पकड़कर ले आया। उसने वो पकाकर डायन की बेटी को खिला दिया। उस मछली का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया और उसमें से एक घना सेब का पेड़ आया, जो शाम को फूल से भर जाता था और दोपहर को सेब से भर जाता था और शाम को परियां भी निकल आती। डायन एक बार फिर अपनी बेटी से मिलने आ गई और उसने अपनी बेटी से कहा, तुम उस सेब के पेड़ को काटने के लिए राजकुमार से कहो, वरना मैं उसे बता दूंगी कि तुम असली परी नहीं हो। लड़की ने राजकुमार से कहा, उस पेड़ को काट दो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। महल के पास एक गरीब आदमी को ये पेड़ काटने का काम दिया गया और जब वो पेड़ काट रहा था तब एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया और उस गरीब आदमी ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख दिया। अगले दिन वो अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में काम करने आ गया। अगले दिन वो अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में काम करने आ गया और उसने अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ दिया, जो अकेली ही रहती थी। तब उसने देखा कि लकड़ी के टुकड़े से एक परी निकल आई और रोने लगी। छोटी लड़की ने वो टुकड़ा जोर से पकड़ लिया ताकि वो परी वापस उसमें ना जा पाए और इस तरह उन्होंने परी को पकड़ लिया। दोनों लड़कियां राजमहल गई और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। आखिरकार राजा ने पूछा, बताओ तुमने अपनी जिंदगी में क्या देखा और क्या क्या किया? परी ने कहा, एक बार राजकुमार शिकार करने निकले थे। वो खरगोश से मिले, लोमड़ी से मिले, सारंग से मिले और मैं ही वो परी हूँ जिसको राजकुमार ने ओक के पेड़ से काटा। इस तरह राजकुमार ने अपनी परी को पहचान लिया और उसे चूम लिया और गले लगा लिया। डायन और उसकी बेटी को घोड़ों की पूंछ को बांधा गया और फिर राजकुमार और रानी खुशी से रहने लगे।